आज 8 आइसक्रीम खाइए। 8 आइसक्रीम किसे कहते हैं? जो स्टॉल पे जो भैया थे ना, बोलने लगे कि भैया बस एक पैकेट तो आपने खत्म कर दिया हमारा, बस कर लो अब बस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस, मैंने कल ब्लॉग इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठ गया था और फिर उठने के बाद मैंने ब्रश किया, अपना मुँह हाथ वाथ धोया, उसके बाद तो इतना ज़्यादा हेडेक होना चालू हो गया, मतलब ब्लॉग करते भी नहीं बन रहा था मुझसे। तो फिर मैं ब्रश वश किया और मैंने नाश्ता भी नहीं किया, मम्मी जी चिल्लाते रह गए नाश्ता कर ले, पर सर इतना ज़्यादा दुख रहा था। मैं उठा, ब्रश किया और मैंने नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ते से रख रह गया और डायरेक्ट सो गया मैं जाके। फिर बहुत लेट उठा था, मतलब हेडेक कल बंद ही नहीं हो रहा था। और हेडेक होने के पीछे का भी मुझे रीज़न बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि शादी चल रही थी ना, तो दिन भर ब्लॉग करना, फिर रात में लेट लेट तक एडिट करना, फिर रात भर बाद जागना, दो दो तीन तीन घंटे सोना, बस इसलिए मतलब नींद पूरी ना होने की वजह से ही हेडेक हो रहा था। बाकी फ़िलहाल तो ठीक है और अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं। और आज हम लोग रात में भोपाल भी जाने वाले हैं क्योंकि बारात आई थी ना, तो हम लोगों ने डिनर दे दिया था। अब फिर जब मतलब जो लड़के ले रहे थे, जब वो वापस वो दीदी को लेकर आए ना, तो वो लोग भी मतलब खाना देंगे। तो आज हम लोग जाने वाले हैं रात में भोपाल, और आप लोग सोचते हो कितना भोपाल जाता है। तो गाइस, ऐसा है कि जो मैं करता हूँ डेली वही आप लोगों को दिखाऊंगा ना, कुछ अलग से तो करके दिखा नहीं सकता। तो मतलब जो मैं डेली जो डेली करता हूँ वही दिखाऊंगा, जैसे आज मैं भोपाल जाने वाला हूँ तो आज वही बता रहा हूँ आपको। तो फिलहाल तो अभी नाश्ता करते हैं। गाइस, इसकी तैयारी भी हो चुकी है चालू रात के लिए। दिखाइए ज़रा कोट दिखाना। ये तो काका का है, तो मजे भी आ जाता। तू पहनेगा? सिल्वर वाला पहनना ना यार, ये क्या करेगा तू पहन के? अरे वो मैं सब दूर पहन के जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ ये वाला, मैं ये भी अच्छा लग रहा है वैसे तो। और गाइस, आज रात को एक और चीज होने वाली है जो कि होती नहीं पर हम लोग करने वाले हैं। क्या क्या होगा आज रौनक? डीजे और ढोल, पूरा इस सा बार हम बारात निकालेंगे। हाँ, इस बार गाइस हम लोग बारात निकालने वाले, वैसे ऐसा होता नहीं है पर आज हम बारात निकालने वाले। खून आ रहा है, कहाँ पर फेंक रहा है? अबे चादर पे मत फेंक, चादर पे मत फेंक, है नाली में फेंक, नाली में काला दांत आएगा। मेरा हिल रहा था, फिर खाने में दिक्कत आती, खींच के तोड़ जा उसमें कुल लगा ले जाके वेस्ट में। वाह बहुत अच्छे गाइस, देखो इधर भी तैयारी चल रही है आज रात की। कितने तेजस्वी बच्चे हैं देखो, आज की जनरेशन की नेल पॉलिश लग रही है। काली हो तो काली नेल पॉलिश, काली है तो। 2 hours later. गाइस, मैं दोबारा आया हूँ ताबे के साथ, जस्ट अभी आया हूँ बाहर से कुछ काम करने गया था, आपसे कुछ काम तो लेने आ गया था तो मैंने शूट किया नहीं। फिलहाल तो मम्मी जी भी स्कूल गई हुई थी, मम्मी जी भी आ गए स्कूल से, तो क्या होगा जो है वो है। तो मम्मी जी ने भी मुझे बताया कि पापा जी ने कार ला के खड़ी कर दी चौराहे पे, जाओ और कार साफ करो। तभी चलते हैं, रौनक को भी लेके चलेंगे, रौनक से करवाएंगे। तभी चलते हैं और कार साफ करके आते हैं। गाइस, वेरी 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 बैड लक, रौनक तो गया हुआ है कोचिंग, वो तो लेट आएगा, तब मुझे ही करनी पड़ेगी। तब चलते हैं और मैं ही करता हूँ। गाइस, फिलहाल चाबी और पेपर तो ले लिया है, अब जल्दी से एक मग्गा पानी भरते हैं और चलते हैं। धीरे का बना रहा है, गाइस वैसे तो पूरी गाड़ी चमक रही है बिल्कुल, पर थोड़े ग्लास थोड़े गंदे हो रहा है, धूल धूल लग रही, तो वैसे तो पूरी चमक रही है पर ग्लास थोड़े गंदे हो रहा है तो उसको कर देते हैं साफ। तो हम कार में बैठे और उसका चाहिए अभी यहाँ कार साफ करना। देखिए फिलहाल कार तो पूरी एकदम चकाचक हो चुकी है, देखो ग्लास मार रहा है ना शाइन, एक नंबर साफ कर दिया मैंने आगे से भी, और इंटीरियर भी मैंने पूरा अच्छा साफ कर दिया है। मैंने सोचा साथ साथ इंटीरियर भी साफ कर दूँ, पूरा कर दिया है, पूरी चमक रही है। अब चलो चलते हैं घर, फिलहाल तो गाइस घर चलते हैं और नहाएंगे। और गाइस उसने कार का पाना निकाल लिया, सबको बोलता फिर सर दोस्तों को एक बार आने सर एक बार आना, टेस्टिंग करनी लगती है कि नहीं लगती है, मैं लड़ने जा रहा हूँ। और गाड़ी में से क्या क्या मिला, क्यों
गाड़ी में सुनने क्या क्या मिला हमारी, पता नहीं कब का रखा हुआ था। गाइस फिलहाल मैं तो रेडी हो चुका हूँ, बट आई मम्मी इन लोगों का भगवान बचाए भाई, इन लोगों से इतना ज़्यादा लेट करते हैं लोग, क्या ही बताएं, भगवान बचाए। पूरी शादी से पूरी पहले दिन से अभी तक देख रहा हूँ, पागल ना हो जाऊँ मैं भी देख देख के। अभी तो ये लोग भी रेडी जाए और फिर पूरे फैमिली मेम्बर्स भी रेडी हो रहा है, फिर देखेंगे। फिलहाल रेडी तो हो गया हूँ मैं, पूरा प्रॉपर रेडी हो गया हूँ, पूरा प्रॉपर, अभी रेडी नहीं हुआ था पूरा प्रॉपर, अब रेडी हो चुका हूँ। और नीचे दादाजी सब लोग भी चिल्ला रहे हैं, पापा पापा जल्दी चलो जल्दी चलो, तो मम्मी जी से भी बोलता हूँ जल्दी से निकलते हैं अब। चलो यार चिल्ला रहे हैं मम्मी, जल्दी आ जाओ फटाफट। फिलहाल तो सब रेडी है जाने के लिए, उसमें बच्चे बच्चे बैठे हैं और इसमें भरा हुआ है पूरा लगेज, जो भी रहेगा पूरा लगेज ही लगेज। ये लगेज वाली गाड़ी है ना? हाँ भाई, हाँ लगेज ही लगेज। और वो एक और गाड़ी और अपनी रानी किधर खड़ी, अपनी रानी तो उधर खड़ी है। अभी तो बस आने का वेट चल रहा है गाइस, क्योंकि बस आई नहीं, सब अपने अपने कार में बैठे हुए हैं। अभी बस भी आने, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब पूरा मोहल्ले जा रहा है, तो अभी सबका वेट हो रहा है, बस आ जाए फिर निकलते हैं। फिलहाल तो अभी हवा डलवाने रुके थे, क्योंकि उधर के दोनों टायर में हवा बहुत कम थी, उसमें भी चेक करवानी थी। गाइस फिलहाल भोपाल तो पहुंच चुके हैं, अभी डीजे का वेट है, डीजे आए फिर हम उठाने वाले बारात, लड़की वाले बारात उठाएंगे आज, आज लड़की वाले बारात उठाएंगे। और दीदी तो अभी अंदर ही, दीदी को यहीं से हाय कर दिया है, देख लिया था उन्होंने, हम लोग बाहर पार्किंग में देख लिया था। तो फिलहाल तो अभी डीजे का बैठे डीजे जाए और पूरे बच्चे जाने वाले भाई डीजे। गाइस फिलहाल डीजे तो आ चुका है और इधर भी पूरे फैमिली मेम्बर्स हो चुके हैं इकट्ठे, इधर पवन भाई खड़े हैं, उधर मम्मा अम्मा दादी वादी सब लोग खड़े हैं, भैया भैया, बस इसके स्टार्ट होने की देरी है, फिर निकलते हैं। कौन सी आइसक्रीम चल रही है, कितने नंबर की? 6-7 नंबर की, तो मान ही नहीं रहे वो। खाना खाए? हाँ। गाइस पनीर खाने में दाल चावल और ये सब कुछ ही है। गाइस फिलहाल तो डिनर लगना स्टार्ट हो चुका है, उधर दादी जी बैठी हैं, पापा मम्मा सब लोग बैठते हैं और खाना खाएंगे मस्त। गाइस फिलहाल खाना पीना तो हो चुका है और रौनक ने गाइस आज आठ खाई के 6 खाई, जल्दी बता, इसने आज 8 आइसक्रीम खाई है। 8 आइसक्रीम किसे कहते हैं? जो स्टॉल पे जो भैया थे ने बोलने लगा कि भैया बस एक पैकेट तो आपने खत्म कर दिया हमारा, बस कर लो अब बस, इतनी आइसक्रीम खाई है जिसने। और खाने भी खा लिए, खाना भी बहुत अच्छा था गाइस, मजा आया भाई खाना खाते। फिलहाल तो घर निकलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, 12 बजने बस 5 मिनट है, तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, अब तो घर निकलते हैं। और ऑलमोस्ट पूरा गार्डन भी खाली हो चुका है, बस अभी मम्मा पापा इन लोगों ने खाना नहीं खाया, तो वो लोग खा रहे हैं, उनका भी शायद खाना कंप्लीट हो चुका होगा, बस वो लोग हाँ हो ही गए, वो लोग आ रहे हैं, तो बस वो आ जाए फिर निकलते डायरेक्ट घर के लिए। फिलहाल गाइस घर तो पहुंच चुके हैं हम लोग और आज बिल्कुल शादी एंड, आज बिल्कुल लास्ट डे था, आज लड़के वालों ने भी खाना दे ही दिया। तो फिलहाल तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और कल दीदी भी आ जाएंगी, हाँ कल दीदी जाएंगी, फिर 2 दिन बाद वापस चली आएंगी, ऐसे कुछ रीत या रस्में रहती हैं। तो फिलहाल तो इस व्लॉग को एंड करता हूँ, होप आप लोग को अच्छा व्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।